अल्लाह लेकुम डे स्टूडेंट आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ के अंदर कि साइंस फिक्शन क्या होता है आज साइंस फिक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है साइंस फिक्शन बाकी फैंटसी की तरह और बाकी फिक्शन की तरह एक इमेजनरी दुनिया में होता है और उस दुनिया का हमारी दुनिया से कोई ख़ास बड़ा कनेक्शन मौजूद नहीं होता जिसके तो अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो रियल वर्ल्ड में या रियल यूनिवर्स और कॉस्मोस के अंदर मोस्टली मौजूद नहीं होते नंबर टू साइंस फिक्शन के अंदर हमें वैराटी ऑफ थीम्स मिलते हैं जो कि स्पेसिफ़िक होते हैं साइंस के साथ जैसे कि टाइम ट्रैवल स्पेस ट्रैवल और या फ्यूचर में सेटअप किए जाते हैं और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जिससे आप समझ जाएंगे ये साइंस फिक्शन है ये आपको बताता है कि टेक्नोलॉजी की और साइंटिफिक एडवांसमेंट की क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अच्छे या बुरे दोनों मायने में इन एडवांस का फ्यूचर में क्या स्कोप होगा और कैसे ह्यूमैनिटी इससे फ़ायदा उठाएगी या इससे नुकसान हो सकते हैं साइंस uh, फिक्शन जो है उसको पढ़ने से इम्पॉर्टेंट फायदा ये होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेफिनेटली डेवलप होती है और वो क्रिटिकली साइंस को देखना शुरू करते हैं कि साइंस के हमें क्या फ़वाद हैं साइंस हमें कहाँ लेके जा रही है साइंस की क्या लिमिटेशन है और साइंस जो है वो हमें दुनिया के बारे में क्या बताती है और जिस किस्म की इन्वेशनज़ हो रही हैं उसके हमारी सोसाइटी को हमारी, हमारी नेचर को हमारी दुनिया को क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं आप बड़े हैरान होंगे सुन के कि बहुत सी इन्वैशन ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पे साइंस फिक्शन गैजेट्स के वजह से इन्वेंटेड हुई हैं जिसके अंदर आते हैं आपके सेल फोन्स और आपकी सब मरीन्स um, ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था सो इट इज़ गुड कि आप फाइंड आउट करें uh, कि वो कौन से पुराने साइंस फिक्शन नॉवल्स हैं जिसके अंदर ये गैजेट इस्तेमाल हुए हैं और बाद में ये गैजेट एक्चुअली बन गए साइंटिस्ट uh, से पूछा गया और इंजीनियर से पूछा गया कि वो बचपन में क्या साइंस फिक्शन कहानियाँ पढ़ते थे तो बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर ने कहा कि उन्होंने जब साइंस फ़िक्शनल स्टोरीज़ पढ़ी तो बुनियादी तौर पर उन स्टोरीज़ ने आ, उनका एटीट्यूड बनाया साइंस की तरफ कि वो साइंस से इंस्पायर हों और वो साइंटिफिक वे की तरह आ, चीज़ों को ऑब्जर्व करें और साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू करें इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा जो साइंस फिक्शन पढ़ेगा वो साइंटिस्ट या इंजीनियर बन जाएगा इट इज़ डेफिनेटली पर्सनल प्रेफरेंसेज लेकिन इट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन साइंस फिक्शन के अंदर ट्रूप्स uh, होते हैं करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं या रोबोट्स होते हैं और कुछ इस किस्म की लैंग्वेज़ होती हैं जो उसके स्पेशल किस्म के टर्म्स uh, होती हैं उन टर्म्स को बच्चे से बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो फेमिलियर हो जाते हैं बहुत सी विकैबलरीज है जो कि आपको दूसरे जानवर के अंदर नहीं मिलती ये विकैबलरी या इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन होती है कॉस्मॉस के बारे में या जो उनके साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं जो साइंस फिक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी फिनला को बच्चों को उसको याद रखना पड़ता है उसको समझना पड़ता है तभी वो एक सिंपल साइंस फिक्शन नावल से हायर लेवल के और एडवांस लेवल के साइंस फिक्शन नावल के अंदर जो कुछ चल रहा होता है उस सिनेरियो को समझ सकते हैं कि आखिर ये किस थेरी के ऊपर बनाया गया है या इसमें एक्जैक्टली exactly ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं और ये क्यों ऑबियस हैं साइंस फिक्शन जो है स्टूडेंट की डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है डिवेलप uh, करते हैं जब हम क्लासरूम में साइंस फ़िक्शन छोटे छोटे नावल्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बच्चे डीपर लेवल पर जाके सोचते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ uh, उनके अंदर डिवेलप होती है और इसके थ्रू क्रिएटिविटी और उनके अंदर इंक्वायरी पैदा होती है दे जिन्होंने फाइंड इट आउट कि ऐसा क्यों हुआ और उसकी थ्रेटिकल फाउंडेशन क्या बताएगी गई थी इस कहानी में ये किस फ़िजिक्स की थेरी या किस केमिस्ट्री की थेरी के साथ रिलेट कर रहा है आया ये थेरी कहाँ तक ट्विस्ट की गई तो ये तमाम फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं साइंस फिक्शन पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें किन चीज़ों से आगाह होना चाहिए क्या चीज़ें वार्निंग साइन हैं और क्या चीज़ें जो ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए ज़रूरी हैं साइंस फिक्शन जो है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करती है और उससे हमें समझ आता है कि हम माजी में क्या थे अभी क्या हैं और मुस्तबिल में क्या पॉसिबिलिटीज मुमकिन है सो so, जितनी मर्जी uh, हम फैंसीफुल किस्म की चीज़ें बना लें अपनी स्टोरी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोरी के अंदर हमेशा ये होती है कि वो कैसे हमें रिफ्लेक्ट करती है हमारे इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है हमारे दौर को कैसे रिफ्लेक्ट करती है हमारी कौन सी फ्यूचर की डिज़ायर और नीड्स को रिफ़्लेक्ट कर रही है